हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू लेयर थ्री एजुकेशन। जैसा कि एक नई अपडेट आई है आपकी, बिहार स्टेट की जो एग्ज़ाम निकली है इसमें अप्रोक्स 40,000 वैकेंसीज है, तो आज हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे कि कितनी वैकेंसीज निकली हुई है और जैसे कि यहाँ पर पेपर वन और पेपर टू के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पेपर वन की बात करते हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा, टोटल मिलाकर यहाँ पर 25,270 वैकेंसीज जो हैं वो पेपर वन के लिए हैं एंड पेपर टू के लिए हैं 12,065 वैकेंसीज। तो ऐसे मिलाकर कुल 37,000 के अप्रोक्स यहाँ पर वैकेंसीज हो जाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास, आप जल्दी से फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डेट भी आने वाली है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो अपना एग्ज़ाम फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी फिल कर ले, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर डाउन जाएगा और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो इशू हो रहा है, जिनके बीएड का रिजल्ट नहीं आया है वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि अभी होपफुली ये जल्दी से जल्दी जो आपका प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको किस तरीके से स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, एक वेबसाइट दी हुई, इस पे जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 9 से 18 तक के जो आपके फॉर्म स्वीकार कर लिए जाएंगे, आपकी पेमेंट करने की लास्ट डेट भी यही रहेगी 18/9/2019। तो इससे पहले पहले आपको सारी प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट कर लेनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया हुआ भी है कि जो प्रथम पाली में जो होगा माध्यमिक विद्यालय के लिए एग्ज़ाम होगा, 10 से 12:30, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और उच्च माध्यमिक विद्यालय सेकेंड पाली में एग्ज़ाम होगा 2 बजे से 4:30 बजे तक। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ दैट कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, चार ही ऑप्शन रहेंगे, कोई भी पांचवा ऑप्शन नहीं होगा, चार ऑप्शन रहेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप जितने भी क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, तो आप 150 का ही आंसर करके आएंगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का एक अंक आपको मिलेगा। अब पेपर वन के लिए हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। पेपर वन में सामाजिक विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है, उर्दू, संस्कृत एंड हिंदी है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का आपका जो सिलेक्टेड पेपर रहेगा उसके रहेंगे मार्क्स 100 नंबर, और 50 मार्क्स का आपका पैडागोजी रहेगा, शिक्षण कला अन्य दक्षता, यानी कि 50 मार्क्स की आपको यहाँ पर पैडागोजी आएगी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आपके पेपर वन 150 मार्क्स का होगा। सिमिलर पेपर टू भी आपका यही रहेगा। ठीक है, बस इसमें ये है कि यहाँ पर सोशल साइंस नहीं है, यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड हुई है, कंप्यूटर साइंस। जिन्होंने बीई और बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस आईटी से, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का आपका सिलेक्टेड पेपर रहेगा और 50 मार्क्स आपके कॉमन रहेंगे पैडागोजी के। ठीक है, तो इसकी बस कुछ डिटेल्स है और इसका जो फी है वो आपको बता देती हूँ। पहले तो अपन आयु की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 37 वर्ष की आयु बताई गई है, सामान्य पुरुष महिला 40 वर्ष और पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है। ठीक है, और यहाँ पर और दी गई है डिटेल्स, तो ये नोटिफिकेशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे पूरा रीड कर सकते हैं। ओके, और आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी दे रखा है, मिनिमम आपको 50% लेकर ही आने हैं। 150 में से आपका 50% मिनिमम रहेगा, अनुसूचित जाति एससी एसटी के लिए 45% यहाँ पर रहेगा। ठीक है, साथ के साथ आपको प्रमाण पत्र भी दे दिया जाएगा जो कि वैलिड रहेगा 7 ईयर के लिए। ठीक है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल मेंशन है, 7 वर्षों के लिए ये मान्य रहेगा। और इसमें डिटेल देख लेते हैं, आपकी फ़ी की बात कर लेते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर किस तरीके का। इसमें सामान्य के लिए रहेगा पेपर वन के लिए, ठीक है, 500 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर है अनुसूचित के लिए 300 रुपीज़, और जो शारीरिक विकलांग है उन्हें 500 रुपीज़ देना होगा और अनुसूचित जाति में 300 रुपीज़ देना होगा। ठीक है, तो पेपर वन या पेपर टू के लिए 500 रुपीज़ है, यदि आप दोनों देते हैं तो 800 रुपीज़ है, और यहाँ पर अनुसूचित जाति पुरुष महिला में यहाँ पर 300 एंड 500 लगेगा। ठीक है, तो ये पूरा फीस स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं कि लेयर थ्री एजुकेशन के माध्यम से आपको क्या क्या सुविधाएँ प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पैडागोजी की। ठीक है, पैडागोजी के जो 50 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आप ऑनलाइन वीडियो क्लासेस परचेस करना चाहते हैं तो एक नंबर है 9997651282, इस पर आप कॉल करके इसकी सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से क्लासेस मिलेगी, क्या क्या उसमें आपको सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, साथ में आपको इंग्लिश के लिए भी सारी सुविधाएं जैसे पैडागोजी के लिए अवेलेबल है, वैसे ही आपको इंग्लिश के भी रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। और साथ में यदि आप कोई भी वीडियो क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं।
ओके, तो यहाँ से मैं आपको पैडागोजी पढ़ाऊंगी किस तरीके से हम 50 मार्क्स कवर करें, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ये रहेगा कि आपका 50 मार्क्स है, तो एटलीस्ट हम 40 मार्क्स वहाँ से कैसे कवर करें. ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट सेशन से हम जो है हमारी नेक्स्ट क्लास जो है उससे स्टार्ट करेंगे सारे क्वेश्चन के, किस तरीके से हमारा सिलेबस रहेगा, हम किस तरीके से इतने कम टाइम में, जैसे कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो नवंबर तक हम सारी स्टडी कैसे करेंगे, किस तरीके से हमारी क्लासेस रहेगी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ओके, और यदि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जल्दी से हम उसका रिप्लाई करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सो बी रेडी फॉर दैट, एंड अपना बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी डेली आपको इसी तरीके से रेगुलर वीडियोज़ बिहार एग्ज़ाम के लिए मिलते रहेंगे. ओके, थैंक यू.